आप देख रहे हैं खबर शब तक, मैं हूं अशोक कलबेला। परसौनी स्वास्थ्य केंद्र का ये नज़ारा है। कुछ घंटे पहले एक गर्भवती महिला के पेट में ही बच्चा मर गया। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। जानना चाहेंगे यहाँ के लोग से कि लापरवाही कितना ज़्यादा हुआ। आइए भाई साहब, इधर क्या नाम है? अरुण कुमार। मतलब आपके पेशेंट है ना? जी। ये कैसे हुआ? हम लोग 1:30 बजे रात को यहाँ पर लेके आए, हम लोग भर्ती किए, हम लोग कहें ठीक हो जाएगा, यहाँ पर डिलीवरी हो जाएगा। यहाँ पर बोले, देखते देखते नर्स यहाँ लोग को, डॉक्टर नर्स जो भी हो, जो भी यहाँ का है, वो लोग बोले हो जाएगा। होते 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 5 बज गया, हम 4:30 में हम लोग फिर भी रिकवर किए तो बोले अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा। करते करते 6:50 पर फिर बच्चा को, 5:10 पर सुवा दिया, 6:50 जो बच्चा को पेट पर चढ़ को अधिक किया तो बच्चा डिलीवरी में हुआ, मरा हुआ पैदा लिया। आपका, आप किसको दोषी मान रहे हैं? हम तो भैया पूरा पूरा परिवार ही दोषी है, पूरा सिस्टम है। आपको देखते रहिए, आए दिन ऐसा होता रहता है। पूछ लेते हैं एक आदमी से। हाँ, कहाँ पे है जरा दिखाइएगा? अंदर पे है। ये है परसौनी स्वास्थ्य केंद्र। आप लोगों का आरोप है, परिजनों का कहना है कि स्वेटर बुनने के चक्कर में ऐसा हुआ है। पीड़ित कहाँ है? पीड़ित कहाँ है दिखाइए। बारी बारी से ये देख रहे हैं, प्रसव कक्ष यही है, ये वार्ड है। और कहाँ है आपका मरीज, किधर है जी दिखाइएगा? अच्छा, आप ही आप इसमें क्या हैं? ममता है। कैसे मर गया बच्चा? बच्चा सर वो अथी मतलब पेटे से मरल निकला है सर। नहीं झूठ बोल रहे, पेट में बच्चा जिंदा था, हम तो अपना आंख से देखे चल रहा था। अभी जो सब इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। आप उन्हीं के साथ थे? नहीं, हम आए थे तो ये लोग स्वेटर बिन रहे थे ना, तो हम अंदर गए तो मेरी भाभी गिरी हुई थी अकेले, तो हम उठाए तब सबको चाल पड़े, तब अंदर गई सब। सब इन लोग आ रही है चाय खाने के लिए। अच्छा, चाने के एक मिनट, चाय के लिए किसने भेजा आपको? इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। आप चाय के लिए भेजे इनको? न, चाय के लिए तो उनका भेजे हैं, इधर आए थे हम तो पीबो न, हम ले नहीं रहे थे। चाय, चाय, चाय आप अपने से नहीं ला सकती हैं? ला सकते हैं सर। तो फिर क्यों भेजे? ना, हम नहीं भेजे हैं सर। इधर आओ, इधर आओ, इधर आइए। तो कौन से नहीं लेते थे, जबरदस्ती दिए, जब पी लीजिए हम लाए हैं। था जबरदस्ती, इनका कहना है कि जबरदस्ती आप चाय पिला रहे थे। चाय सुनिए ना, चाय अपने पैसा से पीजिए, सरकार का पैसा मिलता है, ठीक है? मरीज जब तड़प रही थी तो अकेले थी क्या? इसमें कुछ स्पष्ट हो नहीं रहा है। परिजनों का कहना है कि ये चाय के लिए भेजी, इनका कहना है ममता जी का कि चाय के लिए नहीं भेजे, जबरदस्ती पिला रही थी। प्रभारी महोदय यहाँ है नहीं? कसम से कहे कि जबरदस्ती। अच्छा जी, हाँ, चाय बिस्कुट सर के पेशेंट के लाने के लिए जब पिलाइए खिलाइए, जब उसको देह में ताकत हो। अच्छा, ये तो अच्छा, ये पेशेंट के लिए बोल रही है चाय लाने के लिए? चाय लाए हैं ना, तो एगो हमारा दे दिए, तो हम नहीं ले रहे थे कि जो वसा के पेशेंट हमारा दे दिए हैं जब हम पी लिए। नहीं सर, झूठ नहीं बोलते हैं सर। जब उसी चाय, अच्छा स्वेटर बीन रहे हैं, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, हाँ हाँ। अच्छा, स्वेटर, आइए अंदर आइए, अंदर आइए, इधर आइए, बाहर आइए जी जी, हाँ भेजिए उनको। हाँ स्वेटर वो लोग नहीं बिन रहे, हम जस्ट आए हैं ना, तो हम ही अपना छान लें। आप इसमें क्या हैं? हम पेशेंट लेकर आए हैं। आप स्वेटर बिन रहे हैं जी, तब इसको क्या समझे हैं? सब ग्रुप इनमें बैठा हुआ था, सब जितना महिला थे इसमें, जितना महिला इसमें था सब बैठे हुए थे। पेशेंट लेकर आए हैं, पड़ा रहा गिरा हुआ है बेड पर से नीचे। अच्छा, पेशेंट कहाँ है? पेशेंट अंदर, आइए इधर, चलिए जरा बाहर होइए, बाहर होइए। था पेशेंट बोलने की स्थिति में है, बात कराइएगा, दिखाइएगा। तो ये अभी कुछ बोल नहीं रही हैं शायद। हाँ हटिएगा। आप गिर गई थी क्या बेड पर से?
ऐसा मुझे द्वार दौड़ रहा था तो मैं बोल रही थी नहीं, फिर भी ऐसा मुझे पेट पर चढ़ के कस कस के कर रहा था वहाँ पे। चलिए हंगामा नहीं कीजिए, हंगामा नहीं कीजिए, इधर आइए। नहीं नहीं हंगामा नहीं कीजिए, हंगामा नहीं कीजिए, हंगामा नहीं कीजिए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, आइए इधर आइए। अश्लील अश्लील शब्द नहीं प्रयोग कीजिए। चलिए अगर ये ऐसा लगता है, हालांकि स्पष्ट नहीं हो रहा है कि स्वेटर बुन रही थी नहीं बुन रही थी। अच्छा खैर बात प्रभारी से होगी, रुक जाइए सब लोग, एक मिनट रुक जाइए, सब कुछ होगा। खैर मामला जो भी हो, परसौनी स्वास्थ्य केंद्र में एक नवजात की मृत्यु हुई, पेट के भीतर हुआ या पेट के बाहर हुआ, प्रभारी साहब से मैं मिलूंगा और डॉक्टर साहब से ज़रा मिल लेते हैं। एक मिनट इधर आइएगा, इधर है डॉक्टर साहब, को इधर ही भेजिए, उधर हंगामा हो रहा है। जो भी हो लेकिन इस तरीके का लापरवाही कतई नहीं होना चाहिए। हमारे हिसाब से डॉक्टर साहब आएंगे, बताएंगे क्या है विधि व्यवस्था। आए दिन इसी प्रकार से अगर होता रहा तो लोग नहीं आएंगे। और एक तरफ जो परिजन आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चला रहे हैं कि कोई स्वेटर की बुनाई कर रहे हैं, कोई चाय की पिलाई कर रहे हैं। एक मिनट आ जाइएगा सर, आप अभी प्रभारी हैं या प्रभार में हैं? ड्यूटी में हैं। ड्यूटी में हैं, क्या इसको समझें? अभी तो हमको सवेरे जब बच्चा डिलीवरी हो गया, बताया लो कि डेड निकला है, तो हम लोग जाके देखे, परिजन लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग कहे थे कि यहाँ से ले जाइए, यहाँ नहीं होने लायक है। आप इस आप कितना सहमत हैं कि स्वेटर बुनाई में बच्चा का जान गया? अभी हम स्वेटर कोई दूसरी आशा बुन रहे थे, वहाँ बताया लो कि दूसरी आशा जो बुन रही थी स्वेटर, साइलेंट रहिएगा, दूसरी आशा जो स्वेटर बुन रही थी वो दूसरी आशा स्वेटर बुनने के लिए आती है? अब वो लोग वहाँ बैठे थे तो हम लोग क्या कह सकते हैं, उस पर कार्रवाई होना चाहिए, होना चाहिए। हाँ। क्या कार्रवाई कीजिएगा? अच्छा हम लोग पता करेंगे कि कौन को किस में गलती है, वैसे कार्रवाई करें। सबसे पहले इसको सीसीटीवी से निगरानी रखिए, उसके बाद आपको पता चलेगा। इनको खुद पता नहीं है कि कौन स्वेटर बुनती है कौन स्वेटर नहीं बुनती है। वैसे सीसीटीवी कहीं है क्या? है, लेकिन हमें लग रहा है कि ये जर्जर स्थिति में, जरा कैमरा से दिखाइएगा ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर काम कभी कभार करता होगा तो करता होगा। खैर इस तरीके के आवाज़ खबर सब तक के माध्यम से हम लगातार उठाते रहेंगे, परसौनी प्रखंड ही नहीं पूरे बिहार में जहां भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, हम आपके आवाज़ के लिए खबर सब तक के टीम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम खास करके आप उन जनता के लिए जो हमें सूचित करता है इस प्रकार की न्यूज़ के लिए, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। परसौनी स्वास्थ्य केंद्र से खबर शब तक के लिए कैमरा पर्सन रियाज सिद्दीकी के साथ अशोक अलवेला, आप देखते रहिए शब।